हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार होने वाला है इस वीडियो, और बहुत ही मज़ा आएगा आप सभी को, क्योंकि आज आ गया है टेक्निकल गुरुजी, नहीं ग्रेस नंदो। एंड आज बहुत दिनों बाद मैं मेरी वीडियो को लेकर आपके सामने आ रहा हूं, तो आप नाराज मत होगा। और मैं अभी थोड़ा वीडियो बनाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये धूप के समय है, अभी नहीं बना सकता या फिर बना सकता हूँ मुझे मालूम नहीं, तो बना तो लूँगा, पर पहले मेरी गाड़ी को स्टार्ट होने दो, ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, ये पैकेट स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। पता नहीं इसे क्या हो गया, इसके तो खाना पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत तेल खाता है। नहीं, ये ज़्यादा तेल नहीं खाता, अरे एक बार खा जाना 70-80 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ देता है। तो मैं इसका माइलेज बता रहा हूँ, या फिर ये घोड़ा है जो इसको दौड़ा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं हो रहा। तो जो भी है, गाड़ी तो चल नहीं रही है, और उस तरफ एक गाड़ी है, आप देख सकते हैं उसको अगर कीक मारा ना तो आपके पैर तो गाइस थोड़ा पास आओ। जैसे कि मैंने बोला, इस गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस गाड़ी को लूँगा, पर उस गाड़ी को आप स्टार्ट नहीं मार सकते, ना ही मैं मार सकता। अगर आप उस गाड़ी को स्टार्ट मार दे तो आपकी दुनिया हिल जाएगा, जैसे कि पोपट लाल बोलता है, मैं दुनिया हिला दूँगा। मेरे दुनिया हिल गई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी स्टार्ट हो जाएगा, हो गया कि नहीं रे बांधो वहाँ। स्टार्ट हो, पेट्रोल 100 टका भर देंगे, 5 टका पेट्रोल भर देमी, काम जी 5 टका पेट्रोल भर देमी, तू जितने खाई पा रही। खाली स्टार्ट तो होता, वो स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो आज ब्लॉग अलग। हेलो गाइस, तो जैसे कि आगे, हाँ आगे आपने देखा कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वो दोपहर की बात थी, अभी शाम हो गई है, शाम तो नहीं, हाँ 5 बज गया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा भूल गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़ोन ही आ गया है, फ़ोन ही टन टन। तो मेरे पीछे है फ़ोन ही, भुवनेश्वर में भी फ़ोन ही है, पूरी में भी फ़ोन ही है, इधर भी फ़ोन ही है, ये कैसे हो सकता है। ये है एक जो आसमान से उतर के बारिश होगा ज़मीन पे, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बार होता भी है, पर इस बार कुछ अलग सा होने वाला है। जैसे कि बाढ़ आता है, ऐसे ये फोनी आ रहा है, जैसे हुड़हुड़ आया था हमारे उड़ीसा के, और पाइलिन आया था, ऐसे टीवी के लोग बता रहे हैं कि इस बार फोनी आ रहा है, तो आज के शाम से फोनी आ रहा है। तो आपने जैसे कि दोपहर में देखा कि दोपहर यानी कि मेरे वीडियो के दोपहर में जैसे कि देखा कि मेरे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, तो स्टार्ट हुई भी नहीं, और मैंने क्या किया, स्टार्ट करने के लिए और कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि स्टार्ट करते करते मेरे पसीना निकल गया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि आ रहा है आज फोनी, और उससे बनाएंगे टोनी, टोनी को लगा देंगे जॉनी, जॉनी जॉनी यस पापा, इटी सुनकर नो पापा। तो गाइस, बहुत हवा चल रही है और बादल इधर से उधर हो रहे हैं, उधर से इधर नहीं हो रहे हैं, तो मालूम नहीं मालूम है, इधर से हवा आ रही है तो इधर से उधर जा रहे हैं, तो पेड़ सब हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, तो थोड़ा डर लग रहा है। तो आज के जो मैं क्रिकेट खेलने गया था, तो आज की मैच भी कैंसिल, क्योंकि हार रहा है फोनी। तो फोनी आया, फिर जॉनी आए, हमें क्या, क्योंकि हम तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके, तो बस भी चल रहा है पीछे, तो बस को छोड़ो, हमारे वीडियो को देखो, तो देखते हैं आगे क्या होता है इस वीडियो में। ओके,
तो थोड़ा फोनी को भी देख लो कि फोनी क्या क्या करता है हमारे यहाँ। तो अभी थोड़ा हवा नहीं बह रही है, तो मैं क्या करूँ यार। तो ये शाम का टाइम 5 बजा है और मुझे तो लगता है आज तो कुछ तूफानी होगा ही। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इस तरफ से जो सन डूब जाता है इस टाइम पर अभी दिख नहीं रहा है। इस सुबह से हमने सूरज को देखा नहीं कि वो कैसा दिखता है। जो बादल है वो बादल छा गए हैं आसमान पर, इसीलिए दिख नहीं रहा है सुबह से। तो अरे ओटीवी वाले कहाँ थे, वाला ये कौन सी कौन कहाँ क्या कर रहे। हेलो गाइस, तो अभी हम फिलहाल हमारे डोसा रेलवे स्टेशन में है। तो हम ये देखने आए हैं कि और दिखाने आए हैं कि कैसा नज़ारा है यहाँ पे, कैसा माहौल है। और हमारे इधर थोड़ा बहुत कुछ नहीं हो रहा है, पर पूरी भुवनेश्वर की ओर ज़्यादा हवा बह रही है। तो चलो थोड़ा नीचे जाते हैं और उधर से देखते हैं कि कैसा हो रहा है। तो गाइस हम अभी नीचे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम उधर थे और इधर आए। तो अभी तो थोड़ा हवा भी नहीं बह रही है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। और हम फ़िलहाल अभी रेलवे स्टेशन में है, ये बात आपको पता है। तो मुझे एक आइडिया आया, तो मैं लोसा के रेलवे स्टेशन के वीडियो बनाना भूल गया था, तो मैं रेलवे स्टेशन के भी वीडियो बनाऊँगा। तो उस वीडियो को छोड़ो, तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि फनी या फिर कोई भी जो आ रहा है उधर से, तो वो उसकी प्रभाव हमारे इधर कैसा है, तो इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता था, पर कुछ भी नहीं हो रहा है इधर, तो इसीलिए आपको कुछ दिखा नहीं सकता मैं। तो जैसे कि थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है पेड़ में, और हमारे इधर कुछ नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ। तो ठीक है गाइस, तो ठीक है, आज की इस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है लुसिया में उस पोनी या फिर जॉनी जॉनी यश पापा की। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मेरी चैनल में पहली बार हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इतना शेयर करना कि थोड़ा मैं भी फेमस हो जाऊँ। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर मोस्ट वॉचिंग। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो कल।